हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका अपना दोस्त कल्याण आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। माय डियर, जब आप इस दुनिया में पैदा हुए थे तो आपका माइंड एक कोरे कागज के जैसा था। आपका माइंड कैसा था? कोरे कागज के जैसा। लेकिन माय डियर, जहां पर आप पैदा हुए थे वहां का एक इन्वायरमेंट होता है, जहां पर आप पैदा हुए थे वहां का एक इन्वायरमेंट होता है, और उस इन्वायरमेंट के अंदर उसमें आपके सगे संबंधी, आपके दोस्त यार दुश्मन समाज सब आता है। और माय डियर, अब ये समाज उस कोरे कागज पर लिखना स्टार्ट करता है अपने विचारों को। माय डियर, ये समाज आपके कोरे कागज पर अपने विचारों को लिखना स्टार्ट करता है, आपके कोरे कागज पर अपने विचारों को लिखना स्टार्ट करता है। विचार लिखता रहता है, 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 अपने सड़े सड़े विचारों को आपके माइंड के अंदर डालता रहता है। व्हाई? क्योंकि माय डियर, योर माइंड इज अ वेयर हाउस। क्योंकि माय डियर, योर माइंड इज अ गार्बेज हाउस। क्योंकि माय डियर, आपका माइंड लोगों के लिए कूड़ा घर होता है। माय डियर, क्योंकि आपका माइंड समाज के लिए कूड़ा घर होता है। आपका माइंड कूड़ा घर है जिसमें यह समाज लगातार अपने सड़े विचारों को डाल रहा है। माय डियर, आपका माइंड एक कूड़ा घर है, सोशल मीडिया लगातार आपके माइंड में सड़े विचारों को डाल रहा है। आपका माइंड एक कूड़ा घर है, आपका माइंड एक वेयर हाउस है। क्योंकि माय डियर, ये न्यूज चैनल्स आपके माइंड में लगातार क्या कर रहे हैं? अपने सड़े विचारों को डाल रहे हैं, अपने सड़े विचारों को डाल रहे हैं, अपने सड़े से विचारों को डाल रहे हैं, और इसी वजह से आप अपने जीवन में सफल नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि माय डियर, आपके जो असली विचार होते हैं, जो आपके अपने विचार होते हैं, इन सड़े से विचारों में खो जाते हैं। आप जैसा बन सकते थे वैसा नहीं बन पाते हो, आप जो कर सकते थे वो नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि माय डियर, आपका माइंड गार्बेज हाउस है इस दुनिया के लिए। आपका माइंड गार्बेज हाउस है सोशल मीडिया के लिए। आपका माइंड गार्बेज हाउस है इस न्यूज चैनल्स के लिए। आपका माइंड आपके लोगों के लिए, आपका माइंड गार्बेज हाउस है। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने एक विचार को आपके माइंड के अंदर डालते हैं और आप पूर्णतया डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब घूमते हो। आपको फोकस करना चाहिए अपने काम पे, अपनी सक्सेस पे, अपनी चीजों पर, लेकिन आप फोकस नहीं कर पाते हो। किसी ने कॉल किया, कॉल से बात किया, वो बात करके आपके माइंड में उसने क्या किया, अपने विचार को इंप्लांट कर दिया, और आप क्या हुए, आप डिस्टर्ब हो गए। माय डियर, आप डिस्टर्ब हो जाते हो और लोगों अपने विचार लिखकर डालते रहते। क्यों? क्योंकि माय डियर, योर माइंड इज अ वेयर हाउस। आपका दिमाग क्या है? आपका दिमाग दुनिया के लिए कूड़ा घर है। माय डियर, आपका दिमाग पूरा घर है। और माय डियर, आप सक्सेस हो सकते हो, लेकिन माय डियर, आपका माइंड क्या हो रहा है? आपका माइंड लगातार लोगों के लिए गार्बेज हाउस बनता जा रहा है। आपके विचार दबते जा रहे हैं, आप जो कर सकते हो नहीं कर पा रहे हो। माय डियर, क्यों? क्योंकि माय डियर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर जैसे विचार होते हैं, जैसे विचार माइंड के अंदर होते हैं, बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। और बॉडी जैसे रिएक्ट करती है, और बॉडी के रिएक्शन से पता चलता है कि आप सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, माय डियर। ये समाज तो चाहता ही है कि तू जीवन में कभी बड़ा ना कर पाए। ये दुनिया के लोग तो चाहते ही हैं कि तू कभी आगे ना बढ़े। लेकिन माय डियर, अगर आप जीवन में भयंकर सफलता चाहते हो, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप जीवन में अल्टीमेट सक्सेस चाहते हो, तो मैं आज इस वीडियो में तीन ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका माइंड वेयर हाउस नहीं होगा और आप जीवन में भयंकर सफलता क्यों अचीव करेंगे। आप जीवन में जहां पर पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंच जाएंगे। आप जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। तो माय डियर, फर्स्ट थिंग, लीव अलोन। सबसे पहले डेली आप कुछ देर अकेले रहना स्टार्ट करो। लेकिन माय डियर, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही आप अकेले जाते हो तुरंत आपको लगता है मेरा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, बताइए मैं अकेला। और आप अकेलेपन को झेल नहीं पाते हो, आपको अकेलापन काटने को दौड़ता है। लेकिन माय डियर, मैं कहता हूं कि आप अकेलेपन से मोहब्बत कर लो। क्योंकि माय डियर, अगर आपने अकेलेपन से मोहब्बत कर लिया तो जब आप अकेले होते हो तो आपके विचार आप पर हावी होते हैं, दूसरों के विचार आप पर नहीं हावी होते हैं। लेकिन माय डियर, अगर आपके अंदर निगेटिविटी ज्यादा है तो माय डियर, आपके अंदर निगेटिविटी हावी हो जाती है। तो माय डियर, आप क्या करते हो, उस निगेटिविटी से बचने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं
एंगेज कर देते हो, किसी न किसी के साथ टाइम को वेस्ट कर देते हो, किसी न किसी के साथ पार्टी करने चले जाते हो, मोबाइल पे लग जाते हो, लेकिन माय डियर ये आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि माय डियर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है और जो भरी है वही तो बाहर निकलेगा। इसका मतलब है आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा सेकंड थिंग, रिप्लेस योर नेगेटिविटी। आपको अपनी नेगेटिविटी को रिप्लेस करना होगा किससे, पॉजिटिविटी से। माय डियर बुक पॉजिटिव बुक्स के माध्यम से ध्यान रखना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना इस पर विशेष ध्यान रखना, क्या देखना है क्या नहीं देखना इस पर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि माय डियर पॉजिटिव वीडियोस के माध्यम से आप अपने माइंड के जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हो। माय डियर जितना ज़्यादा ये समाज आपके अंदर निगेटिविटी डालता है उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस करते जाओ। इधर से समाज ने निगेटिविटी डाला, आप क्या करो पॉजिटिविटी लेकर उस निगेटिविटी को ख़त्म कर दो। लेकिन माय डियर क्या होता है, हम लोगों का माइंड से बना है, हम लोग निगेटिव बातों पर जल्दी इंपैक्ट करते हैं और निगेटिव बातों पर जल्दी रिएक्ट करते हैं। माय डियर जैसे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं बहुत सारी अच्छाइयां हैं, दोनों चीजें समाज में हैं, लेकिन माय डियर हमारा दिमाग क्या होता है निगेटिव बातों को जल्दी कैप्चर करता है, अच्छा होने में समय लगता है। माय डियर अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है वो फैलने में समय लगता है, लेकिन अगर कोई काम बुरा कोई काम कर दे तो आग की तरह फैलता है समाज के अंदर। आप सोचिए जरा सा, मैं आपको वीडियो अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करता हूं, अभी समय लग रहा है मेरी वीडियोस को आप शेयर नहीं करेंगे, लेकिन माय डियर अगर मैं यहीं पर कहीं कुछ निगेटिव बोलता, कुछ निगेटिव चीजें बनाता, कुछ निगेटिव बातें करता, गाली गलौज करता, कुछ ऐसी चीजें करता जो निगेटिव होता, उसको आप भयंकर तरीके से शेयर करते। क्यों? क्योंकि माय डियर इंसानी दिमाग क्या करता है, वो निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप अगर चाहते हो जीवन में सफलता, आप चाहते हो कि माय डियर मेरा दिमाग कूड़ा घर नहीं है, मैं उसमें दूसरों के गार्बेज नहीं डालना चाहता हूं, दूसरों का कूड़ा नहीं डालना चाहता हूं, मेरा माइंड वेयर हाउस नहीं है, तो माय डियर आपको क्या करना होगा, पॉजिटिविटी से निगेटिविटी को रिप्लेस करना होगा, आपको रिप्लेस करना होगा। और जब आप रिप्लेस करोगे तो माय डियर आगे बढ़ते हैं, वी अवेयर योर सेल्फ, आपको अपने प्रति अवेयर रहना होगा। क्यों? क्योंकि माय डियर आपके माइंड के अंदर क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए इसके प्रति अवेयर रहें। मैं एक अपनी पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या होता है, मैं 5 साल से मैंने कोई भी न्यूज चैनल नहीं देखा है, 5 साल से मैं लोगों के पास बैठता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि लोग जब बुरा बुरा बोल के बुरा बुरा माइंड के अंदर निगेटिविटी डालने लग जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं तुरंत दूर कर देता हूं अपनी लाइफ के अंदर से। क्यों? क्योंकि मुझे इस समाज से निगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे समाज से निगेटिविटी नहीं चाहिए, मैं लोगों की बुराई नहीं करता, मैं लोगों से मिलता नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि माय डियर लोग अपनी निगेटिविटी डालना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए माय डियर मैं कहता हूं बी अवेयर योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि माय डियर जब आप अवेयर होंगे क्या दिमाग में जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, ये मैं डिसाइड करता हूं कि मेरे दिमाग के अंदर क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब दुनिया डिसाइड करती है कि आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, तो माय डियर सिर्फ आपके अंदर एक चीज जाती है जिसको बोलते हैं निगेटिविटी, जिसको बोलते हैं निगेटिविटी। माय डियर अगर आपको जीवन में सफल होना है तो हर उस चीज को छोड़ना पड़ेगा जिसने आपको पकड़ रखा है, हर उस आदत को छोड़ना पड़ेगा जिसने आपको पकड़ रखा है, हर उस सोच को छोड़ना पड़ेगा जिसने आपको पकड़ रखा है, और हर उस विचार को छोड़ना पड़ेगा जिसने आपको पकड़ रखा है। माय डियर अपने माइंड के अंदर से हर उस चीज को निकालना पड़ेगा जो इस समाज ने इस सड़े से विचारों को आपके माइंड में इम्प्लांट कर रखा है, हर उस चीज को छोड़ना पड़ेगा जिसने आपको पकड़ रखा है। माय डियर आपके अपने माइंड को फिर से कोरा कागज बनाना पड़ेगा, अपने माइंड को फिर से कोरा कागज बनाना पड़ेगा, तभी तो उसमें आप लिख पाओगे अपनी सक्सेस स्टोरी, तभी तो आप लिख पाओगे अपनी सक्सेस स्टोरी, तभी तो आप लिख पाओगे अपना इतिहास, तभी तो आप अपना नई कहानी लिख पाओगे अपने जीवन की। माय डियर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी के साथ थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल रात 9 बजे, धन्यवाद।